Hello everyone and welcome back to my channel Surfires। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है इसमें एक नया खतरा देखने को मिला है फ्रॉम इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज। क्या है ये पूरी बात जानते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है, इसमें क्या हो रहा है हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बट उसके पहले दोस्तों आइए आपको कुछ जानकारी ये दे दूं कि अभी अनअकैडमी पे 30 तारीख तक एक ऑफर चल रहा है अनलॉक 20 के नाम से, और इस ऑफर के अंदर आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड सर्फायर्स। तो अभी अच्छा खासा मौका है, अगर आप 36 महीनों तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी से, तो आप 35,000 रुपये तक बचा सकते हो फ्रेंड्स। तो अभी सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा कोड है सर्फायर्स इस डिस्काउंट को पाने के लिए। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे से प्रशांत धवन सर यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज लेते हैं यूपीएससी की, और पाथफाइंडर करेंट अफेयर्स भी चलते हैं हर सैटरडे शाम को 5 बजे से महिपाल सर के द्वारा। इसमें आपको रैंक के अकॉर्डिंग गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे अमेजोन के, और साथ में मैं यहाँ पे 10 बजे से एक क्लास लेती हूँ, और एक क्लास जो है मैं लेती हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जिसके लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बस मेरा कोड सिर्फ आइए ज़रूर यूज़ करिएगा फ्री में खुद को एनरोल कराने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक टाइम्स का, जो कह रहा है साफ साफ कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व फेसेस न्यू थ्रेट फ्रॉम इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज। दोस्तों पहले तो हम आपको जो बेसिक से हैं लोग उनको ये समझा दें कि एक्चुअली में ये इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़ क्या हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या हैं। देखिए इन्वेसिव का मतलब अगर आप कहें ये एक ऐसा इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म दैट बिकम ओवर पॉपुलेटेड, या ये ऐसी चीज़ जो हार्म करे इन्वायरमेंट को ओवर पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, ऑल्दो ज़्यादातर जो इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, अगर कोई बाहर से लाया गया, बाहर से ला के कोई ऐसी जगह पे नया कोई प्लांट या एनिमल आया, ठीक है, तो अभी तो प्लांट की बात हो रही है तो हम प्लांट की बात करेंगे। ऐसे बाहर से कोई नया लाया तो नया ऐसे तो एडजस्ट कर लेता है हाँ, या फायदेमंद होता है दूसरे स्पीशीज के लिए, लेकिन जो इन्वेसिव स्पीशी होते हैं वो एडवर्सली अफेक्ट कर देते हैं हैबिटेट को और बायो रीजंस को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक डैमेज। ठीक है, तो ये पूरी हमने आपको बताया फिलहाल इन्वेसिव प्लांट स्पीशी क्या है, और यही चीज काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हमें देखने को मिलता है, खतरा है क्या। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं कि इन्वेसिव स्पीशी इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक हार्म इन्वायरमेंट के अंदर जहां ये नेटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंडिया पार्थीनियम ये आया था, ये केम फ्रॉम वीट जो इंपोर्ट किया गया था यूएस से 1950s में। आप जानते हैं हम यूएस से वीट इंपोर्ट करते थे, तो इससे यहाँ पे ये पार्थीनियम आ गया था, और लैंटाना ये ब्रिटिश लेकर आए थे एज ऑर्नामेंटल प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो इसने पता है मोर देन 40% ऑफ इंडिया के टाइगर रिजर्व को खतरा पहुंचाया था। सोचिए छोटी मोटी बात नहीं है। काजीरंगा के फील्ड डायरेक्टर ने एक लिस्ट करीब 18 इन्वेसिव जो प्लांट्स हैं उनकी सबमिट करी, जो धीमे 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 लैंडस्केप को पूरा टेक ओवर कर रहे हैं। इंडिजीनियस ग्रासेस जो है, जो वहाँ की घास वगैरह है, श्रब्स एंड ट्रीज हैं, उन सब को जो है वो धीमे धीमे कवर करके मारे दे रहे हैं। हर्बीवोर्स यूजुअली देखिए क्या होता है कि अवॉइड करते हैं, हर्बीवोर जो जानवर ऐसे प्लांट वगैरह को खाते हैं वो यूजुअली इन्वेसिव प्लांट को अवॉइड करते हैं विच रीजनरेट एट द अलार्मिंग स्पीड। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कोई जानवर इसको खा जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर अवॉइड कर रहा है तो फिर क्या होगा, ये बहुत तेजी में बढ़ने लगेंगे, और इससे क्या होता है कि जो वहाँ का इंडिजीनियस फ्लोरा है, वहाँ के जो पौधे हैं उनको बहुत ही तेजी में अफेक्ट करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे इन्वेसिव स्पीशीज जैसे कि बॉम्बैक्स सीबा हो गया, उसके साथ क्रिएटिवा मैग्ना हो गया, ट्रिविया न्यूडीफ्लोरा हो गया, लैगर स्ट्रोमिया हो गया, स्पीसीओस हो गया, लैगर स्ट्रोमिया हो गया, लैगर स्ट्रोमिया पैरिफ्यूरा हो गया, बहुत सारे नाम आपको बता रही हूँ, लिट्सिया सेलीफोलिया हो गया, सिक्योरिंग नेगा आयरोसा, उसके साथ रोसा आपका इन्वोल्यूक्रेटा, पोमिका केमिया, बहुत सारे टफ टफ नाम भी है ना, कैलमस वगैरह, ये सारे के सारे जो है इन सबको आइडेंटिफाई किया गया है। ओके,
अब देखिए कुछ जो आइडेंटिफाइड स्पीशीज हैं इनके पास हर्बल प्रॉपर्टीज भी हैं। हर्बल प्रॉपर्टीज क्या चीज मैम? फॉर एग्जांपल लिया मैक्रोफाइला, सेस्ट्रम डायूरम एक्सेट्रा, बट इनकी जो टॉक्सिसिटी है, जो जहरीलियत है, वो इनकी जो खास बात है ना उससे उससे ज्यादा हो जाती है ना। तो वो मतलब वही वाली बात है कि तुम बहुत अच्छे भी हो, ठीक है, यू आर वेरी नाइस पर्सन, बट जो तुम्हारी खराबियां हैं, अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर कुछ चीजें हैं, तुमसे हम काम करा सकते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, बट जो तुम्हारी खराबियां हैं वो तुम्हारी क्वालिटीज से भी ज्यादा है। यही चीज यहाँ देखने को मिलती है। तो परमिशन हैज बीन सॉट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कि भैया और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करा जाए, है ना, कलिंग, कटिंग, स्लैशिंग, अपरूटिंग, है ना, उखाड़ के फेंको ऐसे इन्वेसिव स्पीशीज को। अच्छा कुछ बात आपको मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बता दूं। देखिए असम के अंदर है, हाँ, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1985 में घोषित हो गई थी। लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे आपको वन हॉर्न डायनासोरस की मिलेगी, लार्जेस्ट। भाई आप अगर गए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में, पूरे वर्ल्ड की है ये। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, 2006 में इसको जो है करा गया था। तो ये पूरी हमने खबर है। देखिए ये सारे जो है ना, ये इन्वेसिव स्पीशीज होते हैं ना, बहुत खतरे वाले होते हैं, है ना। और एक बात आपको बताऊं, जो आदमी है जिसने डिस्कवर करा है इन स्पीशीज को जो बढ़ रहे हैं इतनी तेजी में, है ना, इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज नन अदर देन फील्ड डायरेक्टर ऑफ KNPNTR, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के, जितेंद्र शर्मा जी ने करा है ना। ये वापस आ रहे थे अलग अलग एरिया से, इन्होंने देखा कि भाई अलग अलग कुछ इन्वेसिव नेचर के देखने को मिल रहे हैं। अरे ये लोग घूमते रहते हैं, इनको दिखता रहता है कि भाई ये तो हमारे यहाँ होता था, ये नहीं होता था। बहुत ध्यान से करते हैं ना, सबका अपना अपना काम है तो बहुत ध्यान से करते हैं। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, हमारे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा ये तो भाई पार्क के लिए। तो ये पूरी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अलग तरीके से बताऊं कि आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन, उसे कब घोषित किया गया, ये सारी बातें छोटे छोटे एग्जाम्स में भी आ सकती हैं, कहाँ लोकेटेड है क्या नहीं है, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो कैसे लगा आपको वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।